हाय एवरीवन वेलकम टू होम फूड स्टेशन आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्पाइसी क्रीमी टाइप की पनीर कढ़ाई की रेसिपी ये रेसिपी काफ़ी डिफरेंट होती है इसका फ्लेवर काफ़ी डिफरेंट होता है और हम इसे बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम कढ़ाई मसाला रेडी कर लेते हैं तो उसके लिए मैंने पैन को मीडियम हीट पे गर्म किया है वन टीस्पून स्पून यहाँ पर हम ऐड करेंगे धनिया हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे काली मिर्च वन टीस्पून ऐड करेंगे यहाँ पर हम जीरा और पाँच से छः मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ की है ज़्यादा तीखी नहीं होती है अब इन मसालों को हम मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे एक से डेढ़ मिनट के लिए बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मसाला हमारा इसी सब्जी में यूज़ हो जाएगा इन मसालों को हम हल्का सा रूम टेम्परेचर पे आने देंगे उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे और हमें देखिए इस तरह से दरदरा ग्राइंड करना है इसे इसका पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाना है ये देखिए इतना सा दरदरा सा हमें इसे रखना है तो अभी मसाला रेडी हो गया है अब यहाँ पर मैंने पैन लिया है पैन को गर्म कर लिया अब इसमें हम ऐड करेंगे तीन टेबल भर के ऑयल जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे मिर्च यहाँ पे मैंने एक मिर्च को दो टुकड़े करके ऐड किया है हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने कुटा हुआ धनिया ऐड किया है इसे हल्का सा चटका लेंगे कि इसका फ्लेवर ऑयल में रिलीज़ हो जाए इसके बाद यहाँ पे मैं वेजीज़ ऐड कर रही हूँ मैंने यहाँ पे हाफ कैप्सिकम हाफ रेड एंड येलो बेल पेपर लिया है उसे डाइस कटिंग में कट किया है अब इसे डाल के हम एक से डेढ़ मिनट तक मीडियम टू हाई हीट पर भुनेंगे तो देखिए यहाँ भून गया अब यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी प्याज़ यहाँ पर मैंने हाफ प्याज लिया था और हाफ प्याज को भी इसे सर डाइस कट करके ऐड किया है अब इन सारी चीज़ों को हम मीडियम टू हाई हीट पे भूनेंगे हमें इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है थोड़ा सा इसका क्रंच इसमें मेंटेन रखना है अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून कढ़ाई मसाला जो हमने बना के रेडी किया है हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें वन फोर टी स्पून यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया हल्दी अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसे भून लेंगे इससे सब्जी में भी इसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा कढ़ाई मसाले का तो दो मिनट तक मैंने अब इसे भून लिया है अब ये सब्जियाँ रेडी हो गई हैं अब हम इसे साइड कर देते हैं और ग्रेवी प्रिपेयर कर लेते हैं ग्रेवी बनाने के लिए देखो मैंने वही पैन यूज़ किया जिसमें मैंने सब्जी फ्राई की थी अब हम इसमें ऐड करेंगे दो टेबल स्पून ऑयल जैसे ही ऑयल यहाँ पे हल्का गर्म होता है हम इसमें ऐड कर देंगे एक तेज पत्ता एक छोटा सिनेमन स्टिक ऐड करेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे और हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ धनिया ऐड करना है और एक मिर्च है उसे मैंने तीन टुकड़े करके ऐड कर दिया अब इन्हें हमें अच्छे से भून लेना है कि इनका पूरा फ्लेवर ऑयल में आ जाना चाहिए अब यहाँ पे मैं दो बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था उसे एकदम बारीक चॉप किया है वो ऐड किया है अब इसे हम हाई हीट पर भूनेंगे प्याज को हम एकदम लाइट ब्राउन कलर आने तक भूनेंगे बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि जब हम इसमें अदरक लहसन डालेंगे उसके बाद भी प्याज भुनता है अगर अभी ही हम इसे एकदम ब्राउन कर लेंगे तो आगे चल के प्याज जल जाएगा जब हम अदरक लहसुन को भुनना शुरू करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर प्याज हमारी भुन गई है जितना हमें चाहिए था अब हम इसमें एक टेबल स्पून भर के ऐड कर देंगे अदरक लहसन का पेस्ट अब हम इसे भी अच्छी तरीके से भुनेंगे दो से तीन मिनट तक तब तक भुनना है जब तक इसमें से रॉ स्मेल और रॉ टेस्ट खत्म नहीं हो जाती अब हम इसमें ऐड कर देंगे वन फोर्थ कप के करीब गरम पानी पानी हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि अब हम इसमें ड्राई पाउडर मसाले ऐड करने वाले हैं और डायरेक्ट ऐड करते तो वो जल सकते थे यहाँ पर मैंने एक पिंच हल्दी पाउडर ऐड किया बहुत कम ऐड करना है वन टीस्पून भर के यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने रोस्टेड कसूरी मेथी ऐड की और वन टीस्पून भर के यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून से थोड़ा कम यहाँ पे मैंने जीरा पाउडर ऐड किया और यहाँ पर हाफ टी स्पून मैंने ऐड किया किचन किंग आपके पास है तो ऐड करें वरना इसे स्किप कर दें अब इन सारे मसालों को मीडियम फ्लेम पर दो से तीन मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक इसमें से ऑयल नहीं रिलीज़ हो जाता अब यहाँ पर मसाले काफ़ी अच्छी तरह से भुन गए अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ टमाटर का पेस्ट यहाँ पे मैंने दो टमाटरों का पेस्ट बना के ऐड किया है आप चाहें तो यहाँ पे चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं इन टमाटरों को भी हम मसालों के साथ मिक्स करते हुए डेढ़ से दो मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लेंगे अब हम इसे ढक देंगे ढक के इसे आराम से छः से सात मिनट तक लो हीट पर पकाएंगे जब तक टमाटर का कच्चापन खत्म नहीं हो जाता और मसाला अच्छे से पक नहीं जाता अब इसे ओपन कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर मसाला कितने अच्छे से भुन चुका है ऑयल पूरा ऊपर की तरफ आ गया है अब एक बार इन मसालों को हम मिक्स कर लेते हैं अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे वन टीस्पून नमक याद रखें सब्जियाँ भूनते वक्त भी हमने नमक डाला था और ये नमक हमने जब टमाटर डाला था उसके साथ डालना था मैं डालना भूल गई थी इसलिए मैं अभी ऐड कर रही हूँ अब नमक डालने के बाद हम हाई हीट पे मसाले को दो से तीन मिनट तक अच्छे से भूनेंगे जब तक ये एकदम अच्छे से ऑयल सेपरेट नहीं कर देता है अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ काजू का पेस्ट यहाँ पे मैंने आठ से दस काजू लिए थे उसे आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया उसका फाइन पेस्ट बना के ऐड किया है अब काजू का पेस्ट को भी हम अच्छी तरीके से भुनेंगे काजू का कच्चापन खत्म होने तक भुनना है और याद रखें काजू तले को चिपकता है तो इसे बहुत अच्छे से एहतियात से भूनें अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ कप गर्म पानी जिस बर्तन में मैंने काजू का पेस्ट बनाया था उसी में ही डाल के मैंने ऐड किया है याद रहे गर्म पानी ऐड करना वरना इसका कुकिंग प्रोसेस तो बढ़ेगा ही ग्रेवी का कलर भी ख़राब हो जाएगा अब एक बार हम इसे हाई हीट पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ अब हम इसे ढक देंगे ढक के इसे आराम से कुक करेंगे जब तक अगेन ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता और हमारी ग्रेवी अच्छे से पक नहीं जाती अब सात मिनट तक मैंने इस ग्रेवी को पका लिया है बीच में मैंने इसे एक दो बार ओपन किया था चेक करने के लिए कि जल तो नहीं रहा है तो यहाँ पे देखिए ग्रेवी हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है अब फ्लेम हाई करके इसे एक मिनट तक इसी तरह से चला लेंगे अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो वेजीज़ हमने फ्राई करके रखी हुई थी इसके साथ ही अब इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे वन टी भर के कढ़ाई मसाला बटर ऐड कर देंगे एक टेबल के हिसाब से थोड़ा सा जिंजर जूलियन कटिंग में ऐड कर देंगे इसके अलावा यहाँ पर हम ऐड करेंगे हरा धनिया हरा धनिया आप अपने लाइकिंग के हिसाब से ऐड करें आपको कितना पसंद है अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ये हमने जो बटर डाली है वो मेल्ट नहीं हो जाती पूरी अब हम ऐड कर देंगे वन टेबल स्पून भर के फ्रेश क्रीम अगर आपके पास ये नहीं तो घर की मलाई को फेंट के डाल दें ढाई सौ ग्राम यहाँ पे पनीर को मैंने क्यूब कट में डाला है अब यहाँ पर हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि पनीर को ज़्यादा नहीं पकाते हुए क्रीम को भी नहीं पकाया जाता तो इसे हम मिक्स करेंगे चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि पनीर अंदर तक अच्छे से गर्म नहीं हो जाता अब यहाँ पर जो हमने खड़े मसाले डाले थे तेज़ पत्ता सिनेमन स्टिक अगर आप चाहें तो इसे निकाल भी सकते हैं तो देखिए कितनी अच्छी रिच ग्रेवी बन के रेडी हुई है तो अब से आप भी अपने घर में ये रेसिपी फॉलो करके आसानी से रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी होती है इसे आप लच्छा पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं इसे आप गार्लिक नान के साथ सर्व कर सकते हैं सबके साथ कॉम्प्लीमेंट करती है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब कर दें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए बाय